TWS सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ से बनता है और इसका जो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो कब तक की होती है। इनकेस आप अभी फॉर्म भर रहे हैं लेकिन आपका एग्जाम या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 3 साल बाद 4 साल बाद हो रहा है तो आपको क्या प्रोसेस रहेगी, आपका यही EWS काम करेगा या फिर दूसरा EWS आपको बनवाना पड़ेगा जो कि एग्जाम टाइम पे है, तो ये वैलिड रहेगा तब तक कि ये नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों कई सारे कमेंट आ रहे थे जिनमें से आज एक हमने कमेंट लिया है और ये कमेंट है मैम मेरा EWS 2022-23 का है, प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, अभी बनवाए 1 साल भी नहीं हुआ है और रूल बुक में EWS के बारे में कुछ नहीं लिखा है। जी भैया, तो आज हम इनके बारे कमेंट जो आया है इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक अपना होने वाला है EWS सर्टिफिकेट के बारे में होने वाला है, EWS सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ से बनता है और इसका जो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो कब तक की होती है। इनकेस आप अभी फॉर्म भर रहे हैं लेकिन आपका एग्जाम या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 3 साल बाद 4 साल बाद हो रहा है तो आपको क्या प्रोसेस रहेगी, आपका यही EWS काम करेगा या फिर दूसरा EWS आपको बनवाना पड़ेगा जो कि एग्जाम टाइम है, तो ये वैलिड रहेगा तब तक कि ये नहीं रहेगा, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों अगर EWS सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर। तो इसका जैसे आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब अगर इसके आर्थिक रूप से जो कमजोर है इसकी गणना की बात की जाए कि कहाँ से डिसाइड होता है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो ये आपकी आय से डिसाइड होता है। तो दोस्तों अगर आपको EWS सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी नहीं है कि कहाँ से बनता है तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में वो भी बता देती हूँ। तो दोस्तों आपका जो नज़दीकी आपका तहसील केंद्र है वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और EWS का एक फॉर्म आता है वो भरना है, उसमें आपकी जो संबंधित जानकारी है वो भरना है। उसके बाद आपको ये आपकी एक फ़ोटो लगेगी उसमें और उसमें आपका लगेगा आय प्रमाण पत्र, क्योंकि ये मुख्य रूप से आपके आय को दर्शाता है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उसमें आपका आय का जो प्रमाण पत्र है वो लगेगा कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उसके बाद आपका EWS बन जाएगा। अब EWS बनवाने के बाद का क्या फायदा है, जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आजकल EWS का अलग से कोटा रहता है कि इतने परसेंट वैकेंसी EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गई EWS फॉर्म सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया और उसके बाद उसका फायदा। अब सबसे बात जो अपना मेन टॉपिक है जो कमेंट आया था उसके बारे में बात कर लेते हैं कि EWS सर्टिफिकेट, जैसे कि आज अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, आज 1 अक्टूबर है और आज हमने EWS सर्टिफिकेट हमारा वैलिड है और आज हमने फॉर्म भरा, लेकिन हमारा जो एग्जाम है या फिर हमारा फिजिकल है जिसमें हमको EWS जनरली फिजिकल के टाइम पे आपको EWS अपना शो करना है, या तो उस टाइम पे आपका जैसे 2 साल बाद आपका फिजिकल हो रहा है वहाँ पे आप आज वाला EWS लेके जाएंगे या बाद वाला EWS लेके जाएंगे, सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपका जो डाउट है वो टोटली क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे आज आपने 1 तारीख को आपने फॉर्म भरा, आज अगर आपका EWS वैलिड है आपने फॉर्म भरा तो जब 2 साल बाद 4 साल बाद या 10 साल बाद भी आपका जब फिजिकल होता है तो आपका यही EWS काम करेगा जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम फिल किया था, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे आज आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका EWS कल ही रिजेक्ट हो गया है, मेन उसका क्या होता है वो फाइनेंशियल जो एक पीरियड होता है वो फाइनेंशियल पीरियड में चलता है, बाकी ऐसा कोई वैलिडिटी उसमें लिखी नहीं रहती है, तो वो जनरली मार्च या अप्रैल से जो फाइनेंशियल वो होता है डेज होते हैं तो उनमें ही वैलिड रहता है, उसके बाद वो उसको रिन्यू करवाना पड़ता है या फिर दोबारा बनवाना पड़ता है जो भी आप सही समझे। तो अगर आपका उस फाइनेंशियल कंडीशन फाइनेंशियल डेज में आपके वो वैलिड है तो वो आप जब भी आपका एग्जाम चाहे जब भी हो, जब आपने फॉर्म भरा है उसी टाइम पे वही वैलिड रहेगा, प्लस जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपको दूसरा EWS बनवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनकेस कभी दूसरा आप फॉर्म भर रहे हैं तब उससे पहले आपको जरूर बनवाना पड़ेगा क्योंकि आपको वो एक्सपायर हो चुका है। तो दोस्तों ये हो गई पूरी EWS की जो जानकारी थी कि आपको EWS कैसे बनवाना है, कहाँ से बनेगा और उसके बाद उसके लाभ क्या क्या है।
तो दोस्तों अगर आप भी जनरल कैटेगरी में आते हैं और आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपने नजदीकी तहसील में जाकर। और मैं आपसे बोलूंगी कि आप जरूर बनवाएं क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी छूट मिलती है। आपको अगर 5 नंबर की भी छूट मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा कंपटीशन का दौर चल रहा है और इसमें आपके 5 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आशा है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और जिन्होंने कमेंट किया था उनका डाउट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है पुलिस विभाग से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप फटाफट क्लियर कर सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपको जल्द ही जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।